नासिर के नाम में फिर से एक बार मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसका प्रेम सनातन है, जो कभी ना छोड़ता, जो कभी ना त्यागता। आया जी, जो उस विषय पर हम अध्ययन कर रहे वो विषय है परमेश्वर का आंगन, कोर्ट्स ऑफ द लॉर्ड। आंगन के इस विषय पर अभी मैं पिछली कुछ बातों का कोई बात को मैं रिवीजन नहीं करूंगा, हम डायरेक्टली जो मूल विषय है उस पर आज चलेंगे। और जो आंगन, जिसकी परिभाषा नए नियम के अनुसार मैं बता चुका हूं, आंगन ये परमेश्वर की चाहत को दर्शाता है। अगर चाहत है तो पवित्र स्थान की इबादत है, अगर पवित्र स्थान की इबादत है तो परम पवित्र स्थान की मोहब्बत है। और इन बातों को हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज इंसान अपने कामों में इतना मशगूल हुआ है, इतना व्यस्त हुआ है और कहीं ना कहीं फिर से एक बार आज वो मसीहत से या मसीह जीवन से कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा है। अब परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग फिर से उस चाहत में आए। डर के मारे बहुत लोगों ने चाहत पैदा की थी कोरोना वायरस के डर से, लेकिन हमारा परमेश्वर डर का परमेश्वर नहीं है, तो हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर। हमारे भीतर डर होना चाहिए परिस्थिति का नहीं, तो हमारे भीतर उस आदरणीय परमेश्वर का आदरणीय भय होना चाहिए। और वो भय जिसके जीवन में, उसके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। और आज हम डायरेक्टली चलेंगे आंगन का महत्व हम देख चुके हैं, आंगन का समर्पण हमने वो भी देख लिया है, आंगन का अपमान या आंगन के साथ खिलवाड़ मतलब क्या। आज आंगन मतलब परमेश्वर की चाहत, इबादत करने वाली जगह, क्या उस जगह पर आज मैं आंगन को बदबूदार करने वाला व्यक्ति हूं या खुशबूदार करने वाला व्यक्ति हूं, क्या आंगन को मैं रौंदने वाला हूं, बिगाड़ने वाला हूं या आंगन को सवारने वाला व्यक्ति हूं, क्या आंगन में परमेश्वर मेरे विषय में संतुष्ट है, प्रसन्न है, खुश है या मेरे जीवन से परमेश्वर खफा है, दुखी है, शोकित है या क्रोधित है, क्या मैं आंगन का अभिलाषी हूं या केवल मैं मेरी जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आता हूं। अगर मैं केवल जरूरत के लिए यीशु के पास आता हूं तो पहला करिन्थियों 15:19 में ऐसा लिखा है, आइए उस वचन को पढ़कर चलेंगे। पहला करिन्थियों और उसका अध्याय 15 और वचन 19 क्या कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मतलब ये जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। इसका मतलब क्या है, अभागे हिंदी में दिया है, हमारे मराठी बाइबल में दिया है लाचार और इंग्लिश में दिया है मिजरेबल। अगर हम केवल हमारी जरूरतों के लिए ही रोटी कपड़ा मकान टीवी बीवी नौकरी छोकरी आज केवल उसी के लिए अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम इस संसार के अन्य जाति के मनुष्य से भी अभागे हैं। तो फिर मेरा विश्वास कौन सा होना चाहिए, मैं यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहा हूं, मुझे यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म क्यों मिला है, नए जन्म के पीछे का मकसद क्या है। उस नए जन्म में पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 3 में पत्रस ऐसा कहता है कि जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म मिला है। अब वो जीवित आशा क्या है पता है, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, जो मसीह मैं आज सांसें ले रहा हूं आज वो मेरे साथ है, और अगर मेरा जीवन उसके साथ वफादार है, वो पवित्रता की चाल में चल रहा हूं, मेरे चाल चलन में शायद कुछ गलतियां हुई होगी लेकिन इन सभी बातों को सुधार कर एक गहन पश्चाताप के द्वारा मैं अपने जीवन को ठीक ठाक करते हुए मसीह के राह पर अगर मैं चलता हूँ तो ये जिंदगी इसी वक्त भी खत्म हुई ना तो डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। ये है सच्ची आशा।
और बाइबल कहती है कि उस आशा के घमंड में रहो, तब जाकर तुम मसीह के घर बनोगे। आज बहुत सारे लोग केवल टेंटेटिवली क्षणिक बातों के लिए यीशु के पास आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, भविष्यवाणी के लिए आते हैं, बरकत के लिए आते हैं, केवल अपने समाधान के लिए आते हैं, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आते हैं। कोई गलत नहीं है, लेकिन चंगाई मिलने के बाद, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने के बाद, आपके लिए खुदावन की बरकत मिलने के बाद, क्या उसके बाद भी क्या आप मसीह में बने हो? क्या आपकी आशा इस संसार की धन दौलत या बरकत कुवत और चंगाई की नहीं? क्या आपकी आशा यह है कि मुझे परमेश्वर के राज्य का वारिस होना है, मुझे लेपालकपन की आत्मा से मुझे उसने गोद लिया है, मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की संतान हूं और मुझे परमेश्वर के राज्य में जाना है। उस राज्य में अगर जाना है तो मुझे आंगन में वफादार होना होगा। एक सच्ची चाहत, एक पवित्र चाहत जिसमें ना कोई कपट, ना कोई छल, ना कोई अशुद्धता, ना कोई गंदी बात हो, एक सच्ची शुद्ध और पवित्र चाहत के साथ मैं जब परमेश्वर के पास आता हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो हृदय से शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। आज मेरी चाहत में कोई मिलावट तो नहीं है, मैं कोई ढोंग वाला जीवन तो नहीं जी रहा हूं, मैं केवल आज चर्च में, चर्च के लोगों में, आध्यात्मिक लोगों के सामने जीवन जीता हूं या जीती हूं, लेकिन उसके बाद घर का मेरा जीवन कुछ अलग ही है, मेरी नौकरी बिजनेस का जीवन कुछ अलग ही है। तो मुझे आपको बताना है, ये हिपोक्रेसी स्पिरिट में चलने वाले लोग, ढोंग में चलने वाले लोग, आज हमें बदलना होगा। एक सच्ची चाहत आप अगर रखोगे तो आप एक सच्ची इबादत करोगे, जब आप सच्ची इबादत करोगे तब आप एक सच्ची मोहब्बत का अनुभव लोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम चलते हैं डायरेक्टली आंगन का जो अपमान हो रहा है, आंगन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। यशायाह नबी का पहला अध्याय और वचन 12, कोई चाहिए तो इस लाइव सेशन में उस वचन को आप टाइप करके लिख सकते हो। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 12, क्या कहता है वचन, बाइबल यहाँ पे रिकॉर्ड करती है। तुम अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाओ से रौंदो। पिछले वक्त हमने 11 वचन पढ़ा था 12 के पहले का, और उसमें परमेश्वर कहता है ना तो मैं बछड़ों के और जो भी चर्बी का जो हवन किया जाता है आपके मेल बलि से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। और 12 वचन में कहता है कि तुम आकर मेरे पाओ को रौंदते हो, सॉरी अपने पाव से मेरे आंगन को रोनते हो। और 13 वचन में क्या कहता है देखो, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। महासभा में प्रचार करना, चर्च में आना, उसके बावजूद परमेश्वर कहता है कि उसके साथ साथ तुम अनर्थ कुछ काम कर रहे हो, ये काम करने से ये बात मुझे सही नहीं जाती। हबक्कूम नबी कहता है कि परमेश्वर अपवित्र बात देख नहीं सकता। उसने अपने पुत्र से अपनी निगाहें क्यों हटा ली? उसने अपने पुत्र को सूली पर वो जब लटका था तब उसने अपने पुत्र से अपना ध्यान क्यों हटा दिया? इसीलिए तो यीशु मसीह कहता है, हे मेरे पिता तूने मेरा त्याग क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि सारे संसार का पाप तुम्हारे और मेरे उद्धारक ने यीशु मसीह ने खुद पर उठा लिया था, इसलिए पिता ने वहां पर उसको नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ये बातें सह नहीं पाते। बाइबल यहाँ पे कहती है सभाओं का प्रचार करना, वो मैं क्यों ना हो, आज इस सभा में मैं प्रचार करता हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा घरेलू जीवन, मेरा सोशल नेटवर्क साइट का जीवन, मेरा परिवार का जीवन, मेरे दोस्त यारी का जीवन, समाज का जीवन अगर कहीं ना कहीं ढोंग से भरा हुआ है तो ये वचन मेरे लिए भी लागू होता है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा ये महासभा में आपका प्रचार करना मुझे बुरा लगता है। आज बहुत सारे प्रचारक है, आज बहुत सारे लोग है जो प्रचार बड़े बड़े करते हैं,
जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अपने जीवन में कहीं ना कहीं अशुद्धताओं में और कहीं ना कहीं गुनास्पद बातों में पड़े हुए, जो किसी को ठग भी रहे आप प्रचार भी कर रहे परमेश्वर तुमसे प्रेम कर, जो एक नहीं दो दो शादियां भी कर रहे, किसी के साथ लव मैरिज करने के बाद सेवकाई करने के बाद वही लव मैरिज करने वाले लोग एक दूसरे से अलग होकर वो स्त्री किसी के साथ शादी करती है, वो पुरुष किसी के साथ शादी करते और फिर से नई मिनिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। परमेश्वर मुझे आपको बताना है इन सब बातों से वो कहता है मैं सह नहीं पाता, मैं इन सब बातों से ये काम मुझे बुरा लगता है। क्या आंगन में मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूं जो परमेश्वर को बुरा लग रहा है या वो सह नहीं पा रहा है? अब हम देखते हैं कि आज के डेट में आंगन को भ्रष्ट कौन कर रहे, सेवक, सेविका, अगुवे, आराधक, विश्वासी, ये पांच प्रकार के लोग हैं। आज बड़ी बड़ी सेवा करने वाले सेवक हो या सेविका हो, कहीं ना कहीं उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं कि उसके वजह से मुझे आपको बताना है कितने सारे लोग उनके वजह से पीछे हट गए, बैकस्लाइड हो गए। वो गलती आज कहीं ना कहीं सेवक सेविका की है लेकिन उनकी जो विश्वासी इन बातों के वजह से प्रभु से दूर चले गए, उसका कारण ये कि उन विश्वासियों ने यीशु को देखकर अपना जीवन नहीं दिया था, उन्होंने सेवकों को देखकर जीवन दिया था। आज ये बात सुनने के लिए आप कहेंगे पास्टर जी क्रिसमस सीजन का टाइम है, अभी तो भी कुछ अच्छी बात होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज क्रिसमस केवल हमारे लिए 25 दिसंबर के लिए, हाँ हम लोग मीटिंग लेते हैं उस दिन सेवा करते, लेकिन आज जो बातों का कारण क्रिसमस को बनाया गया है बड़े दिन को वो नहीं है। ओनली जीसस इज द रीजन फॉर दिस सीजन, यीशु मसीह कारण है इस सीजन का। वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर वो चला गया, हमारे लिए आने वाला है, यही रीजन है। केवल उसका जन्म नहीं है, यीशु मसीह अभी वो नन्ना सा बच्चा नहीं है, आज बहुत सारे इन्फेंट जीसस बेबी जीसस की वो सारी एक प्रकार की वो कल्पना जैसे वो घास का झोपड़ी बनाया जाता है, वो सारे बातें की जाती है। मुझे आपको बताना यीशु अभी बच्चा नहीं है, वो आया, उसने एक परिपक्व जीवन जिया, इस पृथ्वी पर वो रहा, अपने शरीर का आखिरी खून का कतरा भी उसने बहा दिया, अपने आप को कुर्बान करने के बाद वो मौत पर विजयी हुआ, हमारे लिए स्वर्ग गया और हमारे लिए आने वाला है। वो कौन लोग है जो यीशु के साथ उसके आंगन में वफादार है? वही सच्चे इबादत करने वाले लोग होंगे और उन्हीं से मोहब्बत करते हुए यीशु मसीह उन्हें लेने के लिए आएगा, फिर वो कब्रों में हो या जिंदा हो, इस दोनों हालात में यीशु मसीह उनको लेकर जाएगा। लेकिन क्या उस पहले पुनरुत्थान में, उस रैप्चर में, उस गुप्त आगमन में क्या मैं और आप यीशु मसीह के साथ जाएंगे? आज बहुत सारी गड़बड़ियां लोगों ने फैला कर रखी है। गुप्त आगमन और द्वितीय आगमन ये दोनों अलग बात है, सीक्रेट कमिंग एंड सेकेंड कमिंग बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग है। आज इन बातों को समझना होगा हमें। सीक्रेट कमिंग जो रैप्चर यीशु मसीह कहता है, चोर के नहीं आएगा, पलक झपकते आएगा, उसके लिए पौलुस कहता है कैसा भी करके मैं पुनरुत्थान में उठा लिया जाओ ऐसा जीवन जीता हूं। आज मेरे और तुम्हारे जीवन का मकसद यह है, पुनरुत्थान की आशा हमारे पास है और यही पुनरुत्थान की आशा हमें परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, मुर्दा हालात में हो या जिंदा हालात में हो, उसके साथ उस पवित्र मोहब्बत में लेकर जाएगा। हालेलुया। अब ये पांच प्रकार के जो लोग है इसमें सारे लोग आ गए, फिर कोई प्रकार कितना भी बड़ा छोटा इंटरनेशनल नेशनल गांव का शहर का कोई भी सेवक सेविका हो, कोई भी अगुवा हो लीडरशिप में आने वाला, कोई भी आराधक हो या कोई भी विश्वासी हो, इन सभी को लिए ये लागू है। क्या मैं आंगन को भ्रष्ट करने वाला हूँ या आंगन को संवारने वाला हूँ? अब आंगन कैसे भ्रष्ट हो रहा है? तो आंगन दो बातों से भ्रष्ट हो रहा है, ये बातें लेकर हम आगे चल रहे। आंगन का भ्रष्टीकरण दो बातों से हो रहा है, रीति रिवाज और फैशन। आज ऐसे ऐसे रीति रिवाज आज मसीहत में अपने हाथ पैर फैला रहे हैं, जिसकी वजह से आज
बड़े बड़े अगवे हो, साधारण सेवक हो, इन रीति रिवाजों का शिकार हो गए हैं और उसके वजह उनकी कलीसिया भी शिकार हो गई है और ये सारी नॉन बिब्लिकल बातों का फॉलो करते हुए, इन नॉन बिब्लिकल बातों का फॉलोअर बनते हुए आज कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की वजह से परमेश्वर यशया नबी का 1:12 में कहता है तुम मुंह उठा के आते हो लेकिन तुम्हें किसने बताया नहीं कि तुम तुम्हारे पैरों से मेरे आंगनों को तुम रौंदते हो, मेरे आंगन को नुकसान पहुंचाते हो, मेरे आत्मा को दुखी करते हो, मुझे ठट्टों में उड़ाते हो, क्या बताया नहीं किसने तुम्हें? ऐसा परमेश्वर सवाल कर रहा है। और ये जो रीति रिवाज फैशन को हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन आज मैं रीति रिवाजों को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि अगला जो एपिसोड आएगा उसमें फैशन को लेकर और अंतिम आंगन का जो न्याय है ये दोनों बातों को लेकर हम खत्म करेंगे क्योंकि एक नया टॉपिक लेकर आपके पास आना है, ये टॉपिक जल्द से जल्द खत्म हो जाए इसलिए रीति रिवाज की बातों को आज खत्म करना है। उसमें से हमने क्या क्या देखा, रीति रिवाज में जैसे यिर्मयाह नबी का 10:1 में यिर्मयाह नबी कहता है डोंट फॉलो द वे ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के संप्रदायों का पालन मत करो। फिर कौन से राष्ट्रों के संप्रदाय का फॉलो मत करो? आज बहुत सारी बातें मसीहत में कहां से आती है? यूरोप से, वेस्टर्न कंट्रीज से, और वहां से आने वाली बातों का प्रभाव हम इंडियंस पे इतना गहरा पड़ जाता है इन बातों को तुरंत अपना लेते और तुरंत उसके पीछे चलना शुरू कर देते। उसमें से आ गई शादी ब्याह में, शादी के पहले प्री वेडिंग शूट, वो बात हम लोग गहराई से देख चुके। और उसके बाद आ गया जो शादी ब्याह में प्रभु भोज दिया जाता है, होली कम्युनियन कहा जाता है, वाइन एंड ब्रेड, पहले तो वाइन एंड ब्रेड उसको होली कम्युनियन में बताया जाता है, बाद में खुलेआम सबको वाइन पेश की जाती है, आप लोग प्याले के ऊपर प्याला पीना शुरू कर देते हैं। आज हमारे शहरों के अंदर एक इस तरीके का रीति रिवाज आ गया है कि ये सब करो। कहां से आ रहा है ये? यिर्मयाह नबी उसका 10:1 और 1 में कहता है डोंट फॉलो द वे ऑफ नेशंस। अगर ब्रिटेन में चल रहा है, यूके में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, लेकिन ये सारी बातें बिब्लिकल है तो उसका पीछा करो, अगर नॉन बिब्लिकल है तो उसको लात मारते हुए आपके जीवन से, आपके कलीसिया से, आपके परिवार से, आपके रीति रिवाजों से निकाल दो। हल्दी, हल्दी का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप पिछला एपिसोड देख सकते हो क्या है। उसके बाद आ जाता है, आज शुरुआत होती है परमेश्वर के पवित्र गीतों के साथ, एक आराधना के साथ शादी के पूरा इंतजाम किया जाता है, एक दूसरे के साथ वायदा वाउस कहा जाता है, दूल्हा दुल्हन को, दुल्हन दूल्हे को ये वाउस दी जाती है, प्रार्थना के साथ सारे पास्टर गण आकर, रेवरेंड गण आकर सभी दुआ की जाती है और जैसे रिसेप्शन में ये सब माहौल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, फिर फिल्मी गानों पे वहां पे कमर हिचकने शुरू हो जाती है, लचकने शुरू हो जाती है और सारा माहौल हॉलीवुड बॉलीवुड के जैसे बन जाता है। उसमें सेवक चुके नहीं, सेविका चुके नहीं, अगवे चुके नहीं, आराधक, जो आराधक यीशु तेरा नाम गिटार लेके जो वर्शिप करता है वही फिल्मी गानों पर ठुमके मारता हुए दिखता है या दिखती है, जो प्रेज लॉर्ड हालेलुया कहने वाले लोग हैं वही 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी इन गीतों पर नाचते हुए भी दिखते है। ये सारी बातें मसीहत में हाथ पैर फैला रहे हैं, शुरुआत शादी की, पवित्र शादी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन रिसेप्शन में जब आते हैं तो वहां पर एक डीजे आता है वो सारी बातों को लीड करता है, फिर शैंपेन की बॉटल खोली जाती है, वाइन सर्व की जाती है, मुझे बताने कि क्या ये बातें खुदा को मंजूर है? तो क्यों नहीं फिर उनकी शादियां बहुत जल्दी टूटेगी, क्यों नहीं उनके परिवार में गड़बड़ी आएंगी? क्योंकि दुष्ट को आने के लिए हमने छोटी जगह नहीं, हमने बड़े दरवाजे खोल दिए और उसका बड़े एतिबाद से हमने उनका वेलकम भी किया है, आ जाओ स्वागत है आपका। फिर मैंने एक रीति रिवाज के ऊपर आपका ध्यान बताया था पिछले बार, हमने वक्त के वजह से वचन नहीं पढ़े थे, तो आज हम कुछ वचन को पढ़ेंगे जो मेरे ख्याल से पिछले 2-3 एपिसोड पहले पढ़ा था, कलुसियों की पत्री उसका 2:8 और वचन 8 क्या कहता है। देखो कलुसियों की पत्री जो हमें फिलिपियों की पत्री के बाद और थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री के पहले दिखती है, 2:8 और वचन 8,
चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले। चौकस रहो, जब चौकस रहो, ये शब्द पौलुस ने इतनी बार लिखा है ना पत्रों में, तब आपको समझ रहे मामला गंभीर है। चौकस तब कहा जाता है, खतरा यहाँ पे नुकसान हो सकता है, बर्बाद ये जा सकते हैं, हम बर्बाद हो सकते हैं, इसीलिए चौकस रहने की बात है। बी अलर्ट, इस उस तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर मतलब अपना शिकार ना बना ले। अब आगे दिया है, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्या कहा गया, मनुष्य की परंपराओं का तो पालन नहीं कर रहा हूं मैं, ये रीति रिवाज, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो नहीं चल रहा हूं मैं। आज इन बातों का एक गहरा प्रभाव मस्जिद में आया है। अगर हमारे शहरों में मैं देख रहा हूँ, आपके यहाँ पता नहीं, मुझे शादी जब मुकर्रर होती है ना, तब उस वक्त ये सब बातें फाइनलाइज की जाती है, प्री वेडिंग शूट, फिर हल्दी में कौन सा डीजे आएगा, रिसेप्शन में क्या होगा, कौन से गानों पे, कौन फिल्मी गानों पर डांस करेगा, ये सारी बातें तय की जाती। लेकिन बाइबल इन बातों में कहती है, चौकस रहो ताकि आप इन सारे गलत तत्वज्ञान और ये सारी परंपराओं के वजह से आप दुष्ट का आहेर या उसका शिकार तो नहीं बन रहे। उसके बाद मैंने कुछ बातों के ऊपर, मैं आज अभी ये जो सीजन चल रहा है, आप देखोगे कि अगर शहरों में आपके या बड़े बड़े दुकानों में क्रिसमस के पीरियड में या इस समय में आप देखोगे कि वहां पर आपको पहला तो दाढ़ी वाला वो बुढ़ाओ दिखेगा जिसको सांता क्लॉस कहा गया है। और आज अलग अलग जगह पे कैरोल्स जा रहे, सारे लोग ये बड़े दिन की गीत गाते हुए, पास्टर हो कोई भी हो, हमारे यहाँ पे मैंने किसी को अलाउ नहीं किया है, मुझे आपके अगर पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पे मैंने सभी को कहा है, क्रिसमस वो लाल टोपी पहनकर नहीं होती है, क्रिसमस अपने जीवन में हर दिन खुदा के सामने नम्र जीवन जीने से होता है। वो लाल टोपी पहनकर साल में एक ही बार जो लोग निकलते हैं रस्ते पर और जाते भी किसके पास, जो हमारे चर्च के लोग हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप कौन सा संदेश लेकर जा रहे हो, आप लाल टोपी पहनकर बता रहे हैं ये क्रिसमस का संदेश है। आज ये सारी बातों ने आज इस बड़े दिन के अंदर अपने हाथ पैर फैलाए। आज कहीं पर दुकान पे जाओ, आपको वही चित्र दिखेगा, क्रिसमस ट्री दिखेंगे, आपको लाइटिंग दिखेंगी, उसके खिलाफ भी मैंने हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यीशु मसीह का जो मूल महत्व है उसकी जगह ये नॉन बिब्लिकल बातों में लिया है, जिंगल बेल जिंगल बेल। इन नॉन बिब्लिकल बातों ने आज कहीं ना कहीं क्रिसमस की जगह ली है। ये सारी बातें क्या कर रही है पता है आपको, ये सारी बातें यीशु मसीह का प्रभाव, यीशु मसीह का महत्व, यीशु मसीह का अस्तित्व कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। आज बड़े बड़े मॉल्स में बड़े बड़े क्रिसमस ट्री लगाए जा रहे, बड़े बड़े वहां पे इंसान वही कपड़े पहनकर सेंटा क्लॉज की वेशभूषा करते हुए आज कई लोग यही बातों पे अटके हुए। लेकिन इन बातों ने क्या किया है पता है, कहीं ना कहीं यीशु मसीह के अस्तित्व पर हमला करने की कोशिश के लिए कोई कर नहीं सकता। अगर मैं और आप निर्णय लेते हुए, आज हमारे बच्चों को क्रिसमस कैसे समझते हैं, सेंटा क्लॉज के सॉक्स के अंदर कुछ गिफ्ट मिलेगी आपको, आज ये एक दंत कथा के अनुसार, जैसे माइथोलॉजी हिंदुइज्म में कुछ दंत कथाओं को हम देखते हैं, वैसे दंत कथा आज मसीहत में आई है और हमारे बच्चों को बचपन से बताया जाता है कि सॉक्स के अंदर तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। हमारे लिए सॉक्स के अंदर गिफ्ट नहीं है, हमारे लिए क्रॉस के ऊपर गिफ्ट है। अपने बच्चों को बताओ यीशु मसीह आया, वो तुम्हारे मेरे पापों के लिए सूली के ऊपर मारा गया और उस बलिदान के द्वारा इफिसियों 2:8 के अनुसार हमें उद्धार की गिफ्ट मिली है, उद्धार का वरदान मिला है, उद्धार का एक प्रकार का हमें एक बख्शिश मिला है, तोहफा मिला है। सॉक्स में तोहफा नहीं है, सेंटा क्लॉज के सॉक्स में तोहफा नहीं है, यीशु मसीह के वचन में वो सूली पर क्रॉस पर हमारे लिए तोहफा है। आज ये बातें
अगर इस पीढ़ी को, जो माँ बाप है, अगर इस पीढ़ी को अगर आप बताओगे नहीं, तो आने वाले दिनों में लोग क्रिसमस में जो क्राइस्ट है उसको भूल जाएंगे और केवल सैंटा और उसका सॉक्स, उसकी टोपी, उसकी दाढ़ी, उसके कपड़े और केवल क्रिसमस ट्री, इन्हीं बातों को क्रिसमस समझेंगे। तुम्हारे मेरे लिए सेंटा क्लॉज के उस सॉक्स से मुझे गिफ्ट नहीं है, तुम्हारे और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए यीशु मसीह की क्रॉस पे हमारे लिए गिफ्ट है, जिसको उद्धार का अनुभव मिला है हमारे बच्चों के लिए। आंसुओं के साथ दुआ करो कि जल्द से जल्द कैसा भी हो मेरे बच्चे सही समय पर उद्धार का अनुभव पाए, और वो उद्धार का अनुभव पाते ना तो आपके लिए रोज क्रिसमस है। इन सब बातों ने आज कहीं ना कहीं मसीहत को बिगाड़ दिया है। शायद ये मेरी बात संसार से थोड़ी हटकर होगी, लेकिन मैं सत्य बात बता रहा हूँ। आज 90% लोग शायद इस बातों को बढ़ावा दे रहे, चर्चेस में बड़े बड़े क्रिसमस ट्री लग रहे। आपको क्रिसमस ट्री का इतिहास पता है? ये क्रिसमस ट्री उस वृक्ष की पूजा की जाती है जो पुराने नियम में हरे भरे पेड़ों की उपासना, हरे भरे पेड़ों के नीचे होम हवन किया जाता था अन्य जातियों का। ये वो पेड़ है, ये उस इलाके का पेड़ है जो तमूज नाम का व्यक्ति जो मारा गया जब उसका लहू बेबलोन का देवता उसे कहा गया था, जिसे बाल कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, निन्नस कहा जाता है, जब वो सुअर के हमले में जब मारा गया तब उसके खून के छींटे इस पेड़ पर गिरे और वो पेड़ पवित्र हो गया उनकी दंत कथाओं के अनुसार। हमारा परमेश्वर दंत कथा का नहीं है, हमारा परमेश्वर सत्य घटना का है। इतिहास बुनियादी नींव हमारी ये बताती है कि यीशु मसीह आया, मारा गया। आज हम उन्हीं बातों को लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम अन्य जातियों के जैसे, वो लोग जैसे, अन्य जाति के लोग जैसे उस बरगद के पेड़ को जाकर वो राउंड मारते हैं, धागा लगाते हैं, उसको पूछते हैं, हम एक आर्टिफिशियल पेड़ को लाकर उसको सजाते हैं। ये भी एक प्रकार की, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नॉन बिब्लिकल बातों को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम भी कुछ समय पहले किया करते थे, हमारे डेकोरेशन में भी ये बातें हुआ करती थी, लेकिन जब ये सत्य समझा, मैंने सख्ती से बताया है ये बातें ना तो चर्च में होगी ना तो हमारे घर में होगी। आपको इन बातों को समझना होगा। तलाकशुदा सेवक सेविका, उनका एक बड़ा मजमा हम देखते ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो इजीली शादी करते हैं, इमीडिएट शादीशुदा जोड़े को छोड़ दिया जाता है, दूसरी शादी करके मिनिस्ट्री शुरुआत। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक कल्ट आया हुआ है। आज मैं दो कल्ट को आपके सामने रखने वाला हूं, एक तो यरूशलेम माता का कल्ट और दूसरा कुछ ऐसी बातों को लेकर लोग आए हैं जो बहुत ही आकर्षक लगती है, लेकिन बिब्लिकल बेस पे कहीं ना कहीं ये हमें ठोकर दिलाने का काम भी करती है। आपको पता है एक चर्च ऑफ सियोन बड़े पैमाने में भारत में फैल रहा है, यरूशलेम माता, इस नाम से लोग आज, उनके पास पैसा भी बहुत है, आज बहुत सारे चर्चेस को उन्होंने तबाह किया है। इनका विश्वास है कि यीशु मसीह की दुल्हन जो यरूशलेम कहा गई है, जो प्रकाशित वाक्य से उतरने वाली है, वो एक स्त्री है जो नॉर्थ कोरिया में अभी भी है, जिस लेडी का नाम है जांगजिल जा, वो यरूशलेम माता है और बिलियंस में उनके फॉलोअर्स है आज की डेट में। और ये ऐसा कल्ट है जो तलाकशुदा जोड़ा अपने अपने जोड़ीदार को छोड़कर उन्होंने बनाया हुआ एक कल्ट है, और बहुत सारे लोग इसको भी फॉलो कर रहे। वो कहते यही सच्चाई है। इनके कल्ट का जो बेस है गलाती 4:26 में लिखा गया है, ऊपर रहने वाली यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है। इस एक वचन का आधार लेकर उन्होंने ये गलत शिक्षाओं को फैलाया है, क्योंकि आज मसीहत में वचन से अधिक ये सारी रिचुअल बातों को महत्व दिया गया है। आज हमारे मसीहत में हमारे मसीह सभी प्रकार के रीति रिवाज का पालन करने वाले मसीह है, ना कि वचन का पालन करने वाले। इसीलिए ऐसे ये गलत कल्ट वाले लोग इनका आहेर बन रहे हैं, इनकी शिक्षा का शिकार बन रहे हैं, इनके पास से पैसा दिया जाता है, पैसा लिया जा रहा है। इनका जो फाउंडर है जिसका नाम है असंग अंगसंग, जिसने इस कल्ट को लाया, जो पहले सेवन डे एडवेंटिस्ट सैटरडे चर्च का पास्टर था, जिसने ये कल्ट स्त्री के साथ मिलकर लाया, लेकिन आज बड़े हाथ पैर फैला रहे ये लोग।
और बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोगों को भरमा दिया जा रहा है और ये लोग पैसा देकर हायर करके लोगों को अपॉइंट कर रहे और वो लोग केवल मसीहों के पास ही जा रहे और बड़ी तादाद में मसीह लोग उनका आहार या शिकार बने। उसका कारण है हमारे मसीह लोग आंगन में केवल रीति रिवाजों को लेकर आ रहे ना कि वचन की ज्योति में चल रहे। और इन्हीं वजह से आज एक बड़ी भीड़ इन लोगों का शिकार बनी हुई है, इन लोगों का खाद्य बनी हुई है। उसके बाद एक वचन को हम पढ़ेंगे, वो वचन कहता है गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 6-8। गौर से इस वचन को सुनो, गलाती पहला अध्याय वचन 6-8। पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पौलुस यहाँ पे अलग अलग बातों का इस्तेमाल कर रहा है, और ही प्रकार का सुसमाचार। क्या ऐसी कुछ बातें जो अन्य राष्ट्रों से आई है जिसका उस रीति रिवाजों को लेकर मैं मेरे चर्च में मेरे चर्च वालों के साथ रिश्ते नातों में अगर उसको मैं पालन करता हूँ तो ये और ही प्रकार का सुसमाचार है कि नहीं, इसकी जांच आपको करनी पड़ी है। आगे दिया है परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, और ही प्रकार का सुसमाचार दूसरा सुसमाचार। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आज ये सारी संसारी बातों ने, रीति रिवाजों की बातों ने आज कहीं ना कहीं आज मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने की कोशिश की है। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समस्त सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो शापित है। अगर कोई स्वर्गदूत भी आकर आपको बताए तो वो शापित है। क्या हम उसको फॉलो कर रहे या उसको हम धिक्कार रहे हैं, ये बातें आज हमें समझनी होगी। ये वचन पढ़कर और एक बात बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो बिंदी लगाकर डार्क मेकअप करके हुए भी आज प्रचार कर रहे। ये बिंदी लगाना क्या है, तो ये विश्वास है उनका कि ये बिंदी उनके परमेश्वर जो अन्य जाति का है उसकी तीसरी आंख है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन ये मस्तक मेरे यीशु के लहू से ढका हुआ है, मुझे बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। जो उसने कहा है मुझे सर के ऊपर वस्त्र लेकर उसको ढाप कर मुझे सेवा करनी है, मुझे वचन के अनुसार सेवा करनी ना कि किसी रीति रिवाज के अनुसार। बहुत सारे अन्य जातियों से लोग आते हैं, मैंने देखा है राजस्थान हरियाणा में, वहां पर ठीक है चलो हम एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी बिरादरी में से ये लोग आए हुए लोग हैं, इनका जीवन बदला हुआ है लेकिन वहां की संस्कृति के अनुसार उनको चलना पड़ता है। लेकिन मैंने बिंदी लगाकर प्रचार करने वाले लोग शहरों के अंदर देखा है जो जैसा लिप्स को जैसा कलर है वैसी बिंदी का कलर होता है ताकि बताने के लिए देखो कि मेरा मैचिंग कितना अच्छा है, सुनने के लिए खराब लगता है। बाइबल हमें एक वचन और सिखाती है, आइए हम उसको पढ़ेंगे, रोमियो का 13 अध्याय और वचन 14 क्या कहता है। रोमियो 13:14, थैंक यू जीसस। वगर प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अगर ये 14 वचन को पढ़ना है तो आपको 11 वचन से आगे यहाँ पे सब बातें बताई गई है, चाल चलन की बातें, लुचपन की बातें, पियक्कड़पन की बातें, रगड़े झगड़े डाह की बातें, ये सारी बातें तुम्हारे से निकल जाए, फिर वो सेवक हो, सेविका हो, अगुवा हो, आराधक हो या विश्वासी हो। मसीह यीशु को पहनकर तुम पिता के आंगन में आओ ताकि आपका कदम नहीं तो पिता के पुत्र का कदम आपके साथ गिरे और आप आंगन को रौंदने वाले नहीं तो आंगन को सवारने वाले बनकर आए। आगे वचन पढ़ेंगे, अगर इन दिनों में अगर हम मानेंगे नहीं ना, अगर हम बदलेंगे नहीं ना तो मार्क रचित सुसमाचार मरकुस उसका 8वां अध्याय और वचन 35-38 क्या कहता है। देखो अगर हम इन शिक्षाओं को सुनने के बाद भी अपनी अकड़ में रहेंगे और सुधरेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं और इन बातों को आज अगर हम हमारे जीवन से नहीं निकाल देंगे, आपको अगर इन बातों को निकालने के लिए शर्मिंदगी लगती है तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखो
मरकुश 8वां अध्याय वचन 35 से लेकर 38, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। आपको रिचुअल बातों को, रीति रिवाजों को अगर आपको फॉलो करना है तो आप मसीह नहीं बन सकते हो। कितने ऐसे हैं, उन्होंने रीति रिवाजों का त्याग किया, उनको मौत का अनुभव मिला, मरे नहीं, लेकिन उन्होंने यीशु के साथ वफादारी रखी और यीशु के पीछे चलते रहे। बाइबल कहता है जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। शायद मुझे इन रिचुअल का फॉलो करते हुए, रीति रिवाजों का पालन करते हुए शायद समाज में मुझे बड़ी इज्जत मिलेगी। मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ, गवाही नहीं बोल सकते उसको, एक अनुभव। एक व्यक्ति को मैंने देखा जो मसीह समाज का एक कॉर्पोरेटर, नगर सेवक, वो नगर सेवक या कॉर्पोरेटर होने के बावजूद अन्य जातियों के मसीह व्यक्ति है, चर्च का एल्डर भी है, जो सारे समाज के लोगों के मंदिरों में जाकर अन्य जातियों के देवताओं के सामने झुककर उनको सलाम करता है, उनके लीडर्स को हाथ पहना कर वो अपने तिलक भी लगाता है। आज ऐसे लोग चर्च में भी आते हैं और पासवान लोग उनको बड़ी इज्जत देते हैं। ऐसे लोग जो मूर्ति पूजाओं के सामने भिड़े हुए उनको स्टेज पे बुलाकर बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन चर्च का अगर कोई गरीब विश्वासी है ना, वो स्टेज पे नहीं आ सकता है। ऐसे चर्चेस हमारे शहर में है, उस बड़े स्टेज पर आने के लिए बाउंसर लोगों की लाइन लगी हुई है। एक साधारण विश्वासी पास्टर के पास जा नहीं सकता, लेकिन एक डुप्लीकेट ढोंग से भरा हुआ व्यक्ति डायरेक्ट स्टेज पे जा सकता है, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है ना, मंत्री है, बड़े औहदे वाला है, लेकिन सब जगह में झुकता है। लेकिन एक सच्चा विश्वासी जो अपने पूरे लगन के साथ समझौता ना करते हुए यीशु के पीछे चल रहा है, लेकिन उसको आने के लिए जगह नहीं। आज ये हमारी मसीहत की हालत है। आगे पढ़ेंगे, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, जो बातें मैं आज बता रहा हूं। अरे क्या होता है पास्टर, हमको समाज में रहना है, हमको थोड़ा सा इन बातों को फॉलो करना है, इसी तरीके से हमको क्रिसमस मनाना है, सेंटा क्लॉज को लाना है, क्रिसमस ट्री को रखना है, हमें भी टोपी पहनकर घूमना है, दुनिया को बताना है कि ये क्रिसमस है। क्या होता है उससे, अगर आपको इन बातों को बंद करने के लिए, इन गलत बातों को आपके जीवन से त्यागने के लिए अगर आपको लज्जा आती है, तो यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा के सहित आएगा तब उसे भी लजाएगा। मतलब क्या, जब वो आएगा उसको पता है कि किसने खुले आम मेरे वचन को महत्व देते हुए अपने जीवन में आंगन को रौंदने वाला नहीं, परमेश्वर की चाहत को बिगाड़ने वाला नहीं, तो परमेश्वर की चाहत को बनाने के लिए शायद समाज का कलंक मिला होगा, समाज का अपमान मिला होगा, लेकिन उन्होंने मसीह के वचन के पीछे और वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए उन्होंने कुछ कुर्बानियां दी है, तो परमेश्वर यीशु कहता है वो कब्र में भी रहेगा ना, तो मुझे उसको देखकर लज्जा नहीं आएगी, तो मुझे महिमा या मुझे घमंड या मुझे अभिमान लगेगा, उसे मैं कब्र से चिल्लाऊंगा। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनकर गया है, शायद उसके नाम से सड़कें होगी, शायद बड़े बड़े फ्लाईओवर को उसको नाम दिया गया होगा, चौक को उसको नाम दिया गया होगा, स्वर्गीय सो एंड सो। यीशु मसीह कहता है जिसने अपने फायदे के लिए मेरी चाहत को बिगाड़ दिया, रोंदा है, अपने बड़े नाम के लिए एक कॉम्प्रोमाइज से, समझौते से भरा हुआ जीवन जिया है, भी भले उसकी कॉफिन लाख रुपए की होगी, जिस गड्ढे में पड़ा है परमेश्वर कहता है वो मुर्दा हो या जिंदा हो, मुझे उसको देखकर लज्जा लगेगी, मैं उसको लेकर नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं बात करना भूल गया, वो बात ये है कि एक इज़राइल फ्रेंड्स बोलकर एक इस प्रकार की शिक्षा आई है, वो लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं, आओ हमारी शिक्षा सुनो, लेकिन मैं कुछ बातें उनकी सुन चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं कि जाकर वहां पे फेलोशिप करूं। ये इज़राइल फ्रेंड्स बोलकर इज़राइल से आई हुई एक संस्था है जो चर्चेस के साथ दोस्ती करती है, बहुत से सुने मेरी बात को, एक
हिंदुस्तान का झंडा, भारत का झंडा और इसराइल का झंडा लगाकर वहां पे वो लोग आकर सारी इसराइल की हिस्ट्री, कैसे हिटलर ने इसराइलियों को मारा, ये सारी बातें बता बता कर उनका मूल उद्देश्य क्या है पता है कि चर्चेस से कुछ फंड्स, चर्चेस के दसवां अंश इसराइल में सेवकाई के लिए जाए। आज इसराइल में अगर आप जाओगे यीशु मसीह का नाम से सुसमाचार सुनाते हैं ना, उनके मुंह पर थूका जाता है। इसराइल के अंदर यीशु मसीह स्पष्ट कहे, जिनके पास मेरे अपनों के पास आया उन्होंने मुझे स्वीकारा नहीं। बहुत कम लोग इसराइल में से, ज्यू में से यीशु के पास आते। बहुत बड़ा टॉपिक है ये उनके बारे में। ये लोग क्या कहते पता है, यहूदी त्योहारों का पालन करना होगा। चर्चेस में आके वो यहूदी त्योहार बताते हैं। यहूदी त्योहार को पालन करने के लिए मतलब पुरीम का त्योहार जो एस्तर रानी के वक्त मनाया गया था, उस वक्त आकर चर्चेस में उसके ऊपर प्रचार करते हैं। सारी बात मसीहत को वो यहूदी धर्म की ओर लेके जाने की कोशिश करते हैं। अगर हमको यहूदी बनना है या मसीह बनना है हमारे ऊपर, सारी बातें यहूदियों के ऊपर बताई जाती है त्योहारों का पालन करने के लिए। आप एक बात देखोगे, आज सारे जगत में आप देखोगे, इंटरनेशनल लेवल से लेके डोमेस्टिक लेवल पर आप देखोगे, एक ऐसा वस्त्र है जो याजक का वस्त्र है, ऐसी लाइनिंग उसके ऊपर होती है। ये एक केवल सैंपल बता रहा हूं। अब वो वस्त्र को जैसे यीशु मसीह ने भी लिया था, इस वस्त्र को पूरा इधर तक होता है, उस वस्त्र को लेकर प्रार्थना की जाती है। ये रब्बियों का वस्त्र है जो प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है तलित। बेनिन इसको फॉलो कर रहे, केनेथ कोपलैंड उसको फॉलो कर रहे, केनेथ हैगन की मिनिस्ट्री के लोग फॉलो कर रहे, भारत के बड़े बड़े सेवक उसको फॉलो कर रहे। इवन मेरे ख्याल से यही यूपी में जो कोई एक बिशप है, अच्छा नाम है अमरजीत सिंह, उनका भी पोस्टर देखा है, उन्होंने भी उस तलित को पहनकर प्रार्थना कर रहे। फिर पौलुस जो बातें हमें करिन्थियों की कलीसिया में बताता है कि पुरुष अपना सर ना ढाके। हमको यहूदी संस्कृति से अगर प्रार्थना करनी है तो इसका मतलब यह होता है कि हम यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं करते। ये बातें धीरे धीरे मसीहत में, चर्चेस में हाथ पैर फैला रहे, शायद आपके पास आई नहीं होंगे, हमारे यहाँ पे बहुत जोर शोर से चल रहा है। बड़े तादाद में फंड्स इकट्ठा किए जा रहे इस बेस के ऊपर। मैंने केवल शॉर्ट में बताया, ये भी एक रीति रिवाज के जैसे यहूदी त्योहारों का पालन किया जा रहा है। सुकोत का पालन, झोपड़ी बनाकर पास्टर की मिसेस कुछ बार झोपड़ी बनाकर चर्च के अंदर रहते। ये इजरायली कल्ट का आज एक बड़ी तादाद में लोग फॉलो कर रहे। इजरायली कल्ट कहना ये बात थोड़ा गलत है, लेकिन आज यहूदी त्योहारों को फॉलो करो ऐसा बोलकर, इजरायली फ्रेंड्स बोलकर, इनके आप अगर देखोगे यीशु मसीह पे कुछ ज्यादा बात ही नहीं करते लोग। इवन उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके अंदर यीशु का नाम भी नहीं होता है। अब ये बताते कि हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपको सच्चाई बताने आ रहे, कैसे यहूदियों का संहार हुआ, हिटलर ने कैसा उनको मारा, और धीरे धीरे फिर यहूदी त्योहारों को, इवन वो जो हमारा फसह का त्योहार है, जो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, पास ओवर हमारे मराठी में वलांडन कहा गया उसको, आज उस त्योहारों का भी पालन करने को बता दे। क्या बाइबल हमें इसकी हिदायत देती, इसकी परमिशन देती है, इसकी अनुमति देती है फॉलो करने के लिए? यीशु मसीह ने सूली पर मरने से पहले कहा, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपने जीवन में इसको पूरा कर लिया है। हमको अब ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्दा फट गया है। ये कब तक चल रहा था? जब तक पर्दा फटा नहीं। अभी पर्दा फट गया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने शरीर रूपी पर्दे से हमें परम पवित्र स्थान में आने का एक अच्छा, एक सुनहरा मौका दिया है। लेकिन आज ये सारी बातों को, ये तलित या ये शॉल पहनकर आज प्रार्थना करना, या एक अच्छे चरित्र से, सच्ची चाहत से प्रार्थना करना योग्य है। आज इन बातों का एक बड़ा प्रभाव बड़े बड़े सेवकों पर भी आया है। बड़े बड़े सेवक इसके फॉलोअर बन गए, तो इसका मतलब फिर यह क्या सही है क्या? बाइबल मुझे बताती है, इब्रानी का 13 अध्याय वचन 7 में, जो तुम्हारे अगुवे थे
जिन्होंने परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाया है, उनके अंतिम विश्वास के चाल चलन को देखकर उसका अनुकरण करो। अगर मुझे नॉन बिब्लिकल बातें, शायद वो सेवक कुछ साल के बाद राजू ठाकुर क्यों ना हो, अगर जो आज ये बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, सच्चाई की बातें बता रहा है, लेकिन उसके अंतिम समय में सुलेमान के जैसा, जैसे अगर मैं भी भटक जाता हूँ, तो ये आपके लिए भी चेतावनी है। मेरे अंतिम समय के विश्वास को देखकर मेरा अनुकरण करो, ना कि मैंने कितनी बड़ी सेवकाई की, मैंने कितने चिन्ह चमत्कार किए, मैंने कितने प्रचार किए, मैंने कितने चर्च बांधे, मैंने कितने बपतिस्मे, इसके ऊपर आप मेरा अनुकरण मत करो। मेरे विश्वास में देखो क्या ये बिब्लिकल बेस पे चल रहा है या नॉन बिब्लिकल बेस पे चल रहा है। अगर बिब्लिकल बेस पे चल रहा है तो आप मेरे पीछे चल सकते हो, अगर मैं नॉन बिब्लिकल बेस पे चल रहा हूं तो आप मेरे से मुड़ सकते हो। ये सारे रीति रिवाजों ने अकॉर्डिंग टू वर्ड आज आंगन को रोंदा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्ड। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू वर्ड मतलब वचन के अनुसार जो चलता है, वो आंगन को रोंदने वाला नहीं तो आंगन को संवारने वाला बनता है। वो चाहत आंगन को दर्शाई गई है। अगर सच्ची चाहत है तो पवित्र इबादत होगी, अगर पवित्र इबादत है तो एक पवित्र मोहब्बत आप करोगे। ये बातें बहुत जरूरी है। शायद ये इज़राइल फ्रेंड्स वाले ये मेरा मैसेज सुनेंगे, उनको बुरा लगेगा। मैं उनकी एक बात का खुलासा करना चाहता हूँ, शायद उनमें से कुछ लोग देखेंगे। उनका कहना यह है, इस लास्ट पॉइंट को बताकर मैं रुक जाऊंगा, ये इज़राइल फ्रेंड्स वाले हमें त्योहारों का पालन करने को कहते हैं। जितने भी यहूदी त्योहार है सभी का पालन करने के लिए बताते, उसके साथ साथ वो तलित मतलब वो प्रेयर शॉल पहनकर हमें प्रार्थना के लिए बताते। वो प्रेयर शॉल खरीद लो, 500 रुपए की प्रेयर शॉल है, अच्छे अच्छे पास्टर वो पहनकर प्रार्थना कर रहे, जो बड़े बड़े प्रचार करने वाले लोग, फिर वो बेनिन हो या भारत के क्या नाम अमरजीत सिंह हो, बिशप अमरजीत सिंह हो, क्या उनकी बड़ी बड़ी सेवक है, इसका मतलब ये सही वचन के अनुसार चल रहे क्या? आपको आके खोलकर, कान खोलकर उनके विश्वास का फॉलो करना होगा। अगर ये नॉन बिब्लिकल है तो फिर भले उन्होंने मुर्दों को जिलाया होगा, वहां से भाग जाओ। मैं खुलेआम बताता हूँ इन इज़राइल फ्रेंड्स का एक महत्वपूर्ण पॉइंट में बताना चाहता हूँ। वो लोग क्या कहते पता है? वो लोग कहते हैं कि जो पुराने नियम की प्रतिज्ञा है, ये पुराने नियम की जो प्रतिज्ञा है वो केवल और केवल, उनका कहना ये है, इसराइलियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। पुराने नियम की अगर एक प्रतिज्ञा है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे पूछ नहीं तुझे मस्तक बनाया, नीचे नहीं तुझे ऊपर बिठाया। वो कहते हैं ये हम जो अन्य जाति से आए हुए लोग है ना, हमारे लिए नहीं है। वो कहते ये केवल इसराइलियों के लिए, आप उसको क्लेम मत करो। तब मैंने उनके वचन के साथ जवाब दिया और फिर उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। अगर ये वचन या ये प्रतिज्ञा केवल इसराइलियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, तो फिर बाइबल यहाँ पे क्या कहती है? देखो रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 22 से लेके आगे इब्राहिम के बारे में दिया है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या गिना गया? कि उसने अंत तक ईमान बनाया रखा, प्रतिज्ञा को देखकर उसने अपनी आयु या अपनी पत्नी की आयु को देखकर वो निराश नहीं हुआ, तो वो बना रहा, इसलिए उसको इसहाक का आशीष मिला। अब यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ना केवल उसके लिए लिखा गया, वरन अब्राहम के लिए ना लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। किसके लिए है ये? केवल अब्राहम के लिए नहीं है, तो जो यीशु पे ईमान रखते हैं, यीशु के पिता पर ईमान रखते हैं, हमारे लिए भी ये प्रतिज्ञा लिखी गई है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। आज ये सारी गलत शिक्षाओं ने आज मसीहत को खोखला किया है। क्यों? क्योंकि हमारी मसीहत केवल रीति रिवाजों में पड़ी हुई है। हमें रीति रिवाजों में धर्मी बनना है या हमें वचन के अनुसार आत्मिक बनना है? आज रिचुअल मसीह बहुत है लेकिन स्पिरिचुअल मसीह बहुत कम है। पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने वाले मसीह बहुत है लेकिन वचन के अनुसार आत्मिक जीवन जीने वाले बहुत कम है। चॉइस इज योर, क्या बनना है आपको, रिचुअल क्रिश्चियन या स्पिरिचुअल क्रिश्चियन? दिस इज योर चॉइस।
आपको निर्णय लेना है, आपको चुनाव करना है कि मुझे एक आत्मिक मसीह बनना है जो वचन के साथ समझौता करता नहीं है। भले आसपास बहुत ही आकर्षक बातें होंगी लेकिन उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा नहीं, ना मेरा जीवन उनके लिए आहेर बनेगा। मैं वचन के अनुसार ही जीऊंगा, वचन के लिए जीऊंगा और वचन के साथ ही मेरे जीवन को समाप्त करूंगा। भले आसपास में बड़ी भीड़ जाती होगी लेकिन वहां पे नॉन बिब्लिकल बात है, लेकिन मैं मेरी कलीसिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे जहां पर सच्ची रोटी दी जाती है, जहां पर मैं विश्वास में ईमान में बना हूँ, कोई भी आकर्षक बातें मुझे यीशु के प्रेम से और मेरी कलीसिया से अलग नहीं कर सकता। आज ये बातें बहुत जरूरी है। क्या लेकर जाएंगे आप, क्या बना रहेगा, क्या टिका रहेगा, उसके साथ रहो। ये बहुत सारी बात आपके जीवन में आएगी। मैं आज आंगन को जो बिगाड़ने वाले सेवक सेविका अगवे आराधक या विश्वासी जो रिचुअल रीति रिवाज को लेकर आंगन को रोंद रहे, ये बात आज मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। अगले एपिसोड में आंगन को दूसरी बात बिगाड़ रही वो है फैशन स्टाइल, वो क्या है, उसके साथ आंगन का न्याय लेकर अगले एपिसोड में ये विषय को मैं खत्म करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस विषय में थोड़ी सी कड़वाहट से भरी हुई बातें है, अगर इसके द्वारा सच में अगर आपकी आंखें खुली है, आपको एक सही दिशा मिली है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन या नया मार्गदर्शन आपको मिला है, तो राजू ठाकुर को फेमस करने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन के सच्चाई हर एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस संदेश को शेयर कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करें।